गोंदियात यावर्षी नवरात्र उत्सवात उज्जैन येथील महाकाल मंदिराचा देखावा तयार करण्यात आला असून जे भाविक मध्य प्रदेश राज्यातील उज्जैन येथे जाऊन भगवान शंकराचे दर्शन घेऊ शकत नाही अशा भाविकांकरिता गोंदियाच्या दसरा मैदान येथील श्री सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समितीच्या वतीने उज्जैन येथील महाकाल मंदिराची प्रतिकृती साकारली असून दुर्गादेवीच्या दर्शनाकरिता आलेल्या भाविकांना या ठिकाणी उज्जैन येथील महाकाल मंदिर तसेच भगवान शंकराचे दर्शन होत आहे। तर विशेष बाब म्हणजे 9 दिवसात या ठिकाणी भगवान शंकराच्या शिवपिंडाचे 9 रूप आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। का देख रहे हैं कि यहाँ पर उज्जैन का ज्योतिर्लिंग बनाया गया है, महाज्योतिर्लिंग बनाया गया है। जो हमारा मंडल है पिछले 16 साल से यहाँ पर फ्री लंगर कराता है, इस बार उन्होंने यहाँ पर लंगर का ही व्यवस्था जो है यहाँ पर फ्री लंगर भी चलता है, आप देखते होंगे यहाँ पर। और जो लोग उज्जैन जो दर्शन करने नहीं जा सकते उनके लिए हमने आज यहाँ पर इस बार नवरात्रि में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर अपने झांकी बनाया है, जिसमें शिवलिंग की 9 दिन ही अलग अलग भगवानों के स्वरूप रहते हैं। कैसे कल शनिवार था तो अपना हनुमान जी का श्रृंगार किए थे, आज रविवार है तो आप देखे होंगे कि आज अपना गणेश जी का श्रृंगार किया गया है। डेली अपना अलग अलग श्रृंगार किया जाता है और हम यहाँ पर पिछले 25 साल से दुर्गा उत्सव समिति का प्रोग्राम करते हैं और 16 साल से हम यहाँ पर फ्री लंगर का काम हम सेवा देते रहते हैं। इसकी खासियत यह है कि हम पूरे देश में एक हम भाईचारा जो बनाना चाहते हैं। आज आप जो देख रहे हैं ये ज्योतिर्लिंग का जो भव्य मंदिर बना हुआ है, हमारे ये बालाघाट के एक रुस्तम भैया है जो मुमेडियन समाज से बिलोंग करते हैं, इन्होंने आज इसको स्वरूप दिया है पूरा। आप जो देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पर एक ताजमहल भी बना चुके हैं इससे पहले, और स्वामीनारायण मंदिर का भी यहाँ पर इन्होंने बना चुके हैं। ये रुस्तम भाई है जो बालाघाट में रहते हैं। 2 महीने पहले दिलीप के साथ उज्जैन गए थे, उसके बाद दिमाग में घूम रहा था, मैं अध्यक्ष था, तो कि और कुछ नया क्या करना चाहिए, ऐसा दिमाग में आया कि उज्जैन का इस साल जो लोग नहीं जा पाते उनके लिए यहीं उनके हम दर्शन की व्यवस्था करें और 9 ही दिन अलग अलग स्वरूप में महाकाल के दर्शन कराए जाते हैं। रोज़ यहाँ समझो करीब करीब 5-6 हज़ार पब्लिक रोज़ आते हैं। तर विशेष बाब म्हणजे हा देखावा मध्य प्रदेश राज्यातील प्रसिद्ध मंडप कलाकार असलम खान यांनी तयार केला आहे। इसके पहले मैंने सबसे पहले मैंने राम मंदिर बनाया, ताजमहल बनाया, दुर्गा उत्सव में स्वामीनारायण मंदिर बनाया, लाल किला बनाया, बहुत से मंदिर बनाए मैंने, दुर्गा उत्सव में बहुत काम किया मैंने। मुझे 20-22 दिन लग गए इसको बनाने में और मेरे साथ 4-5 लड़के सहयोगी हैं जिन्होंने मेरा रात दिन सहयोग दिया और हम सब ने मिलकर इसको और संस्था के सभी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन जगह पे जाके मैंने ये काम किया। तर गोंदिया शहरात देखील ठिकठिकाणी दुर्गा उत्सवात दुर्गा मंडपाने साकारलेल्या कलाकृतीला पाहण्याकरिता भाविक मोठी गर्दी करत आहेत।